हेलो फ्रेंड्स, इन्फ्यूज टू बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है महेश विश्वकर्मा। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई फिल्म को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी चर्चाएं हैं। और दोस्तों साथ ही साथ इस बात का भी खुलासा किया गया है, सलमान खान की राधे मूवी आने के बाद कई फिल्मों के नाम सामने आए हैं, जिसमें मुंशी पैटर्न का रीमेक है, कभी ईद कभी दिवाली है, शेर खान और भी कई फिल्मों के नाम शामिल हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों कभी ईद कभी दिवाली मूवी को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। जबकि स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो सलमान खान नज़र आएंगे। सलमान खान के अपोजिट लीड रोल में जूलिया वंतूर नज़र आएंगी, जो कि सलमान खान की अच्छे खासे फ्रेंड्स हैं। कभी ईद कभी दिवाली मूवी साल 2021 में दिवाली के शुभ अवसर पर रिलीज होने वाली है। तो इसी कड़ी में दोस्तों बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो दोस्तों फिल्म की स्टोरी पर बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस बात पर खुलासा किया गया है कि कभी ईद कभी दिवाली मूवी की स्टोरी जो होने वाली है काफ़ी हटके होने वाली है, काफ़ी एंटिक होने वाली है। यानी कि दोस्तों मूवी के जरिए समाज को एक संदेश देने का काम किया जाएगा। सो वैसे में दोस्तों ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार कभी ईद कभी दिवाली मूवी की स्टोरी क्या होती है। जबकि दोस्तों फिल्म की शूटिंग जो है, जैसे हमारे भारत देश में कोरोना वायरस नॉर्मल हो जाएगा, जैसे ही सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी उसके तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या है कहना, कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें। सलमान खान के बारे में, फिल्म की स्टोरी के बारे में, स्टोरी क्या होनी चाहिए आपकी ओर से, स्टार कास्ट अभिनेत्री के बारे में कमेंट करें कि कुछ भी कहना चाहते हैं फिल्म के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों ये तो कुछ खास खबरें जो कि सलमान खान की आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर के थी। तो दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी इसी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।